हाय दोस्तों, एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। और ये वीडियो नहीं है यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर, ये है वीडियो गेस करो किसके ऊपर, परमिशन के ऊपर। तो आज स्टार्ट हो रहा है परमिशन, ठीक है। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ तुम सबको, मैं रूट यूज़र बन चुका हूँ पहले से ही। अगर तुम LS-L करोगे, इधर अभी कुछ है नहीं, पहले कुछ मैं बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, टच कमांड से एक आध एम्प्टी फाइल ही बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम LS-L करोगे तो तुमने ये चीज देखी होगी, नहीं पहला हाइफन से स्टार्ट होता है मतलब फाइल, और D से स्टार्ट होता है मतलब डायरेक्टरी। लेकिन उसके बाद का ये, और यहाँ पे लिखा है RW-, और इधर R-, इधर भी R-, तो ये क्या, ये है परमिशंस तुम्हारी, ठीक है। तो ये है, ये शुरू की तीन परमिशन होती है रूट यूजर की, ओनर की, उसके बाद होती है ग्रुप की, उसके बाद होती है अदर्स की, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे देख सकते हो यदि रूट ओनर की पहली होती है। मैं एक काम करता हूँ, ये देखो ये होती है रूट ओनर की, ये तीन, उसके बाद ये तीन होती हैं ग्रुप की, ठीक है। हाँ, जहाँ जहाँ पे हाइफन लग रहा है, पहले R होता है, फिर W होता है, फिर X होता है, ठीक है। यहाँ पे R-N का मतलब RWX, मतलब W और X की परमिशन नहीं है। अब तुम सोचोगे यार W क्या है और X क्या है, चलो तीनों चीज़ बता देता हूँ एक साथ ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आर का मतलब है रीड परमिशन, डब्ल्यू का मतलब है राइट परमिशन, एक्स का मतलब है एग्जीक्यूट परमिशन, ऑलराइट। कि यहाँ पे मैं ये खोल देता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये है तुम्हारा डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी आर। इफ़ यू वांट टू रीड, अगर तुम्हें रीड करने कंटेंट तो आर परमिशन होती है रीड के लिए। डब्ल्यू अगर तुम्हें कुछ क्रिएट मॉडिफाई एडिट करना है तो डब्ल्यू परमिशन होती है राइट, ठीक है, उसके उसके नेम से पता लग रहा है। और एक्स का मतलब होता है डायरेक्टरी के अंदर जाना या किसी फाइल के अंदर जाना, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूट। और फाइल के लिए क्या है, टू रीड फाइल, क्रिएट मॉडिफाई एडिट, और स्क्रिप्ट और फाइल रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, शेल स्क्रिप्ट वगैरह, वो सब होती है एग्जीक्यूट परमिशन होती है फाइल के लिए, ठीक है। वो सब अभी तुम्हें आगे जाके पता लगेगी, फिलहाल के लिए तुम्हें परमिशन बतानी है। CHMOD परमिशन डायरेक्टरी फाइल, ऐसे CHMOD तुम्हारी कमांड होती है, ऑलराइट। और तुम परमिशन दे सकते हो, U का मतलब होता है ओनर और यूज़र, O का मतलब होता है अदर, एंड G का मतलब होता है ग्रुप। अब तुम्हें मैं ये लाइव दिखाता हूँ कि ये चलता कैसे, काम कैसे करते हैं। LS-L तुमने कर लिया, तुमने इसकी परमिशन देख ली क्या आ रही है, ठीक है। पहले में एक्स नहीं है, दूसरे में WX नहीं है, तीसरे में WX नहीं है, ऑलराइट। एक काम करते हैं, डायरेक्टरी भी बना देता हूँ, फिर एक साथ ही मैं दिखाऊंगा। DIR-1 डायरेक्टरी 1 बना दी मैंने, ऑलराइट। तो अब करता हूँ LS-L, ठीक है। इसकी परमिशन अलग है, इसकी परमिशन अलग है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे को फाइल के अंदर यूज़र के पार्ट में भी, ग्रुप के पार्ट में भी, अदर के पार्ट में भी, तीनों पार्ट में मेरे को चाहिए एग्जीक्यूट की परमिशन। क्या कमांड रहेगी, CHMOD। यूज़र के लिए क्या बताया था अभी तुम्हें, यहाँ पे देखो, ओनर और यूज़र के लिए U, अदर के लिए O, ग्रुप के लिए G, ठीक है। तो इसे कैसे लिखना है, अगर तीनों में X की परमिशन देनी है तो कैसे लिखना है, UGXD आ गया, UGX, अब दो बार U आ गया, UGX, अब ठीक है, यहाँ पे मैं UGX कह रहा हूँ, UGO आएगा क्योंकि यूज़र ग्रुप अदर, ठीक है। सही पकड़े हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दो, इक्वल X, मैंने चला दी परमिशन, कौन सी फाइल के लिए, कौन सी डायरेक्टरी के लिए, मेरे को चाहिए फाइल वन के लिए, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा से LS-L चलाऊं तो यहाँ देखो, यहाँ पे RW चले गया, RW और R यहाँ पे थी, अब यहाँ पे सिर्फ X की परमिशन रहेगी तीनों पार्ट में, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे इक्वल डाल दिया था। अगर यहाँ पे मैं प्लस डालता, ठीक है, तो कुछ और होता, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं दूसरी फाइल क्रिएट कर देता हूँ तुम सबको दिखाने के लिए मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ, फाइल टू, ऑलराइट। अब मैं करता हूँ CTRL+L LS-L। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये अब नई फाइल है, इसकी परमिशन देखो, यहाँ पे भी WX नहीं है ग्रुप के और अदर के पार्ट में। तो अब मेरे को चाहिए कि इसकी पहले वाली परमिशन भी रहे, और वो इसकी पहले वाली परमिशन ओवरराइट ना हो, लेकिन X की परमिशन ऐड हो जाए। उसके लिए क्या कमांड है, CHMOD, यहाँ पे इक्वल की जगह कर दो प्लस। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।
तो फिर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइल टू, ठीक है। अब चलाते इस कमांड को, तो अब आ गया चेक करने का टाइम, तो देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखो पहले वाली परमिशन ओवरराइट नहीं हुई, अब की बार ऐड हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस लगाया इसकी वजह से। अब देखो आर डब्ल्यू एक्स और इधर आर एक्स और इधर आर एक्स, मतलब कि पहले वाली परमिशन गई नहीं, पहले वाली है उसके ऊपर प्लस हो गई है परमिशन, ठीक है, उसके साथ ही प्लस हो गई है। तो अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, पहले मैं कर देता हूँ एल एस हाइफन एल, ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, कोई भी परमिशन नहीं चाहिए तीनों पार्ट में, तो क्या कमांड रहेगी? सेम कमांड तो सेम ही रहेगी, सी एच मोड इज इक्वल टू, कुछ भी मत डालना, ठीक है। देखो खाली छोड़ रखा है, तो यहाँ पे देखो अभी सारी परमिशन है ना, ये सब ब्लैंक हो जाएगी। चला दूँ? लो चला दिया, ऑल राइट। तो अब देखते हैं, तो ये देखो एक भी परमिशन है नहीं, तो इक्वल के बाद कुछ नहीं डालोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। मैं अलग अलग तरीके से तुम्हें परमिशन दिखा देता हूँ, पहले एल एस हाइफन एल कर लेते हैं। अब जैसे मेरे को फाइल टू के सिर्फ ग्रुप में, सिर्फ ग्रुप के पार्ट में और अदर्स के पार्ट में चाहिए तीनों परमिशन, चाहिए तीनों, तो क्या कमांड है? यहाँ से यू हटा दो, ठीक है। ग्रुप अदर तीनों परमिशन चाहिए ना, तीनों परमिशन के लिए क्या आएगा? इक्वली डाल देते हैं अभी के लिए, आर डब्लू एक्स, ठीक है। अब चलाते हैं इसको, अब देखते हैं कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ। ऑल राइट तो तुम देख सकते हो यहाँ पे देखो परमिशन हो चुकी है चेंज। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। ऑल राइट, तो समझ आ रहा होगा कि कैसे काम करना है। अब मैं एक और फाइल बना देता हूँ, पहले तुम सबको एक और चीज दिखाने के लिए। फाइल थ्री बना दी। अब तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे? खुद देख लो। एल एस हाइफन एल करते हैं वापस से, ऑल राइट। तो अब यहाँ पे देखो इसकी परमिशन अलग है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले वाले के इसमें यूजर के पार्ट में रहे आर डब्ल्यू एक्स, तीनों परमिशन रहे, मतलब सारी परमिशन रहे, और उसके जो अगला पार्ट है जो है ग्रुप का पार्ट, उसमें रहे सिर्फ आर की परमिशन, और जो तीसरा पार्ट है जो है अदर्स का पार्ट, जहाँ पे आर, जहाँ पे भी सिर्फ आर की परमिशन है अभी, वहाँ पे मैं चाहता हूँ वहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू की परमिशन है, आर और एक्स की नहीं रहे, तो क्या कमांड है? कमांड तो सेम ही रहेगी, कमांड चेंज नहीं होगी। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत ये जो बीच में मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ ना, ये चेंज हो जाएगी। अब कैसे करना है? क्योंकि तीनों पार्ट के लिए अलग अलग करना है, तो यू जी ओ तो लिखोगे नहीं, तो क्या करना है? यूज़र में मेरे को चाहिए तीनों परमिशन चाहिए, ठीक है, आर डब्ल्यू एक्स। अब कॉमा लगा दो, स्पेस मत देना। ग्रुप पे मेरे को चाहिए कौन सी परमिशन? ग्रुप पे मेरे को चाहिए कुछ भी नहीं, ठीक है, तो खाली छोड़ दो ऐसी। अब चाहिए मेरे को अदर्स में, मैं यहाँ पे वैसे एक काम भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर माइनस एक्स करूँगा ना तो भी वो खाली हो जाएगी परमिशन, तो सॉरी आर, आर है ना ग्रुप में, तो अगर माइनस आर करूँगा ना तब भी ये खाली हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूँ, इक्वल लगा दो, खाली छोड़ दो, तब भी कोई परमिशन नहीं रहेगी। और अब मैं अदर्स के पार्ट में क्या चाहता हूँ? अदर्स के पार्ट में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डब्ल्यू की परमिशन रहे, तो ओ इज इक्वल टू डब्ल्यू कर दो, आर की अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, अभी मैंने इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलाते हैं इसकी परमिशन, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं फाइल थ्री, वरने फाइल टू में हो जाएगी चेंजेस, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या हुआ है। ऑल राइट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने बोला था ग्रुप के पार्ट में कुछ भी नहीं है, सारी परमिशन जा चुकी हैं, अदर्स के पार्ट में सिर्फ डब्ल्यू की परमिशन है, और ये जो अपना रूट ओनर के पार्ट है, जो अपना रूट ओनर का पार्ट है, यहाँ पे देखो सारी परमिशन है। तो कमांड देख लो ऐसे ही चलाते कमांड को, ठीक है। ये वाला डॉक्यूमेंट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस होता है एडिंग के लिए, माइनस होता है रिमूविंग के लिए, इक्वल होता है सेट परमिशन एग्जैक्टली, ठीक है। वो तुम्हें मैंने दिखा दिया कि कैसे कैसे काम हो रहा है। एक आध चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल टू है मेरी, इसको देखो फाइल टू, ये वाली लाइन, ये जो फाइल टू है यहाँ पे देखो ग्रुप की फुल परमिशन है और अदर की फुल परमिशन है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि यूज़र की होए सिर्फ रीड की परमिशन, ग्रुप और अदर्स की हो जाए कोई भी परमिशन, कोई भी नहीं होनी चाहिए, तो क्या कमांड है? कमांड तो सेम ही रहेगी, मैंने बता दिया, सी एच मोड चल चूट यूज इक्वल टू, यूज़र में चाहिए सिर्फ रीड की परमिशन,
अदर्स में चाहिए, ग्रुप में चाहिए, पहले कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, इक्वल लगा के छोड़ दो। अदर्स में भी कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, इक्वल लगा के छोड़ दो। कौन सी फाइल के लिए? फाइल टू के लिए। ऑल राइट, अब देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस देख लो, सिर्फ यूज़र के ग्रुप में अपनी रीड की परमिशन है, बाकी सब में कुछ नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ग्रुप है, ठीक है, पहले मैं LSFNL कर देता हूँ, जो ग्रुप है ग्रुप के पास आ जाए, यहाँ पे इसी फाइल टू की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ग्रुप के पास आ जाए अपनी राइट की परमिशन और अदर्स के पास आ जाए एग्जीक्यूट की परमिशन। तो क्या कमांड है, ग्रुप के आगे लिख दो, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल डाल दो, इक्वल डाल के लिख दो W, अदर्स के पास आ जाए एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे लिख दो X, क्योंकि अभी प्लस की प्लस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई परमिशन है ही नहीं, तो प्लस करके क्या करोगे। ठीक है, तो अब चलाता हूँ इसको कमांड को, अब देखते हैं वापस से क्या हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप के पास राइट की परमिशन है, अदर्स के पास सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो ये अपने आप से यार ट्राई करके देखना, ये सब चीज़ें ट्राई करना। ऑल राइट, जहाँ तक क्या है, बहुत ही आसान है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करके देख लेना। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये है कि यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल R का ऑप्शन टू चेंज परमिशन ऑफ मल्टीपल डायरेक्टरीज और फाइल, और यहाँ पे देख रहे हो -V वर्ब का, इट शोज द टास्क इज डन। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ, पहले -V का कमाल दिखा देता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा तुम सबको -R का कमाल, और दोनों तुम साथ भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। LS-L कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरी जो ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के यूज़र की कोई भी परमिशन ना हो, और ग्रुप की परमिशन हो सिर्फ W की, जो कि यहाँ पे है नहीं अभी तक, ये देखो यहाँ पे W नहीं है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी W हो, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो क्या कमांड रहेगी? कमांड सेम रहेगी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़र के पास तो कोई परमिशन देनी नहीं है, ग्रुप के पास देनी है परमिशन W की, तो G इज इक्वल टू W कर दो। और यहाँ पे क्योंकि इक्वल करोगे ना, तो पहली वाली परमिशन ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ W की आएगी, लेकिन अगर प्लस करोगे तो पहली वाली भी रहेंगे और यहाँ पे W भी आ जाएगी। तो अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ W रहे, तो यहाँ पे इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, X के जो इसमें यहाँ पे है ना अपना अदर्स का पार्ट, अदर्स के पार्ट में मैं चाहता हूँ पहले वाली परमिशन भी रहे और W की ऐड हो जाए, तो क्या कमांड है, तब यहाँ पे प्लस लगा दो, बस इतना फ़र्क है। और ये कौन सी अपनी डायरेक्टरी 1, तो इसका नाम लिख देते हैं इधर, टैब स्पेस, टैब को प्रेस करने का बड़ा फ़ायदा है। चलो अब चेक करते हैं LS-L, तो यहाँ पे देख रहे हो, तो U की तो कोई भी परमिशन नहीं आई, जो कि मैं चाहता था। गजब बेइज्जती है। जी में मैं चाहता था सिर्फ W आए, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता था कि RWX तीनों आए, तो यहाँ पे परमिशन अपनी अपेंड क्यों नहीं हुई। एक और बार कमांड चला के देखता हूँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। LS-L, तुम्हें V ऑप्शन भी दिखाना है, वो भी दिखाता हूँ इसी बार, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -V, ठीक है, ये X बड़ा बन गया, नहीं बड़ा भी नहीं बना। चलो अब चेक करते हैं एक बार, O+X, यहाँ पे आ रहा है मोड ऑफ डायरेक्टरी रिटेन्ड एस 0025, मतलब कि कोई भी परमिशन चेंज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है चेंज, जबकि मैंने तो यहाँ पे प्लस X करा है, सॉरी मैंने गलती से X कर दिया, यहाँ पे W करना है। तो इसकी मिस्टेक हो रही थी, एग्जीक्यूट परमिशन तो उसके पास पहले ही है। तो देखो अब -V का कमाल दिखाता हूँ तुम सबको, ये देखो ये क्या दिखा रहे हैं, मोड ऑफ डायरेक्टरी चेंज फ्रॉम 025 टू 0027। अभी नंबर्स पे ध्यान मत देना, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी फिलहाल के लिए यहाँ देखो, पहले तुम्हारी परमिशन क्या थी, ये थी, अब तुम्हारी परमिशन क्या है, डायरेक्टरी 1 की दिखा रहा है सिर्फ, ध्यान रखना, कहीं सोचो कि इन सब की दिखा रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इन सब की नहीं दिखा रहा, सिर्फ डायरेक्टरी 1 की। तो पहले ये थी, अब ये है, अब यहाँ पे देखो W ऐड हो चुका है, ठीक है, इसने पहले वाली परमिशन को डिलीट नहीं किया है, जो है अपनी W, जो अपनी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन थी अदर्स के पार्ट में, वो भी अभी भी है, ठीक है, तो उसको ओवरराइट नहीं किया है, ये कमाल है प्लस का।
तो होप करता हूँ कि हाइफ़न वी का ऑप्शन का मेन पर्पस समझ आ गया होगा। तो ये क्या करता है कि ये दिखाता है तुम्हें कि पहले ये परमिशन थी, अभी है। तो हाइफ़न वी को यूज़ करने का सिर्फ यही फ़ायदा है। और तुम ऐसे भी कर सकते हो, सी एच मॉड हाइफ़न हाइफ़न हेल्प। शाबाश, मैं हर बार बताता हूँ किसी भी कमांड की, देख सकते हो क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, तो ये देखो, ये री हाइफ़न वी वर्कफ्लोस आउटपुट अ डायग्नोस्टिक फॉर एवरी फाइल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो ऐसे करके। यहाँ पे वैसे ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, हाइफ़न सी हाइफ़न एफ हाइफ़न आर, हाइफ़न आर दिखाता हूँ तुमको, हाइफ़न आर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हाइफ़न आर रिकर्सिव टू चेंज परमिशन ऑफ मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे जो भी है इन सबको कर देता हूँ डिलीट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कर दिया सब चीज़ को डिलीट। अब एलएस करूँगा, यहाँ देखो कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ डायरेक्टरी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसी वैसी डायरेक्टरी नहीं, डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी का नाम लगा डालता हूँ डायरेक्टरी ए। यहाँ पे हाइफ़न पी लिख देता हूँ क्योंकि ये पेरेंट डायरेक्टरी है। ठीक है, हाइफ़न पी, डायरेक्टरी ए मेरी पेरेंट है, इसके अंदर डायरेक्टरी बी मेरी चाइल्ड है, उसके अंदर डायरेक्टरी सी उसकी चाइल्ड है। ठीक है, अब बनाता हूँ मैं इसको। ऑलराइट, अब मैं करता हूँ ट्री। ट्री कमांड से तुम्हें पहले दिखा देता हूँ कि बन गई नहीं बनी। तो ये देखो, डायरेक्टरी ए के अंदर डायरेक्टरी बी है, डायरेक्टरी बी के अंदर डायरेक्टरी सी है। अब तुम एक बात सोचो, अगर तुमने परमिशन चेंज करी है, पहले मैं परमिशन दिखा देता हूँ ls-l। ठीक है, यह परमिशन तुम्हारी डायरेक्टरी ए की। ठीक है, तो अब मान के चलो तुमने rwx यूज़र का हटा दिया, यूज़र को उन्हें कोई परमिशन नहीं है, अब ग्रुप को और अदर्स को परमिशन है, फुल परमिशन है rwx। ठीक है, और तुमने सेट कर दी डायरेक्टरी ए के, तो तुम ये भी तो चाहोगे कि इसके अंदर ये जो डायरेक्टरी बी है और इसकी सी है, इसकी तो अलग परमिशन है, इसकी भी तो तुम चाहोगे कि सेम हो। नहीं तो पेरेंट की सेम है तो चाइल्ड की भी तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए यूज होता है हाइफ़न आर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ परमिशन। ठीक है, पहले मैं ls-l दोबारा चला देता हूँ। अब ch mod, अभी मैं चाहता हूँ हाइफ़न आर लगा रहा हूँ। ठीक है, पहले एक काम करता हूँ, अंदर जाता हूँ डायरेक्टरी ए के अंदर जाके ls-l करा, इसकी परमिशन देख लो rwx है, सेम इसी की तरह परमिशन है। ठीक है, तो अब जो मैं इसकी सेट करूँगा वो इसकी ऑटोमेटिक हो जाएगी हाइफ़न आर ऑप्शन से। अगर मैं हाइफ़न आर को यूज़ नहीं करूँगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसकी एज इट इज़ सेम रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं हाइफ़न आर यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अब मैं बाहर आ गया, अब मैं वापस से ls-l चलाता हूँ। ठीक है, अब करते हैं इसकी परमिशन चेंज। ch mod, मैं चाहता हूँ यूज़र की हो जाए जीरो परमिशन, कुछ भी ना रहे, और ग्रुप की रहे, ग्रुप के पास रहे राइट की परमिशन, और अदर्स के पास रहे एग्जीक्यूट की परमिशन। कौन सी डायरेक्टरी के लिए? डायरेक्टरी ए के लिए, डायरेक्टरी ए। और यहाँ पे डाल देता हूँ हाइफ़न कैपिटल आर का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं परमिशन पहले इसकी। तो यहाँ देख सकते हो यूज़र को कोई भी परमिशन नहीं है, ग्रुप को देखो डब्ल्यू की परमिशन है, और अदर्स को देखो एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब चलते हैं इसके अंदर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसकी भी देखो सेम परमिशन है ये। ठीक है, इसकी भी देखो सेम परमिशन है ये डायरेक्टरी बी की। अब चलते हैं डायरेक्टरी सी के अंदर, बी के अंदर, अब देखते हैं सी की। ठीक है, तो यहाँ देखो तीनों की परमिशन सेम है, ये देख लो डायरेक्टरी ए है, ये डायरेक्टरी बी है, और ये डायरेक्टरी सी है, तीनों की सेम आई है। लेकिन अगर मैं आर को यूज़ नहीं करता, आर ऑप्शन को, तो इसकी अलग होती, इसकी अलग होती। क्योंकि इसकी क्यों अलग होती? क्योंकि इसकी तो मैंने चेंज करी है। इसकी अलग क्यों थी? क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आई है परमिशन, और इसकी भी वही रहती जो बाय डिफ़ॉल्ट अपना परमिशन आई है। तो होप करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा नंबर से कैसे परमिशन को चेंज कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा तरीका है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे है वो भी चेंज करने का। एक तो ये हो गया, अल्फ़ाबेट से चेंज करते हैं, म्यू प्लस एक्स ऐसे कर करके। ठीक है।
तो ये वाला अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगा तुम्हें मैं कैसे चेंज करते हैं नंबर्स से परमिशन। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें मैंने शायद पहले ही दिखा दी होगी नंबर्स की परमिशन। जिसने इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट को फॉलो किया है उन्हें पता है कि मैंने उसमें दिखाया था पहले ही शुरू की बेसिक कमांड्स की वीडियोस में ही कि कैसे नंबर से परमिशन को चेंज करते हैं। बट अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं नंबर से परमिशन को चेंज। ऑलराइट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।